अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने अक्सर यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा कि हमारा माउस कर्सर येलो कलर में होता है। चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना माउस कर्सर येलो सर्कल में कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल बटन को दबाने से क्या होगा कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माउस को येलो सर्कल में करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रियल वर्ड कर्सर एडिटर। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद कुछ इस शेप में आपके पीसी पे जाहिर होगा। इसे सिंपली हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट माउस कर्सर पे क्लिक करना है। और जैसे हम क्रिएट माउस कर्सर पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक एडिटिंग टाइप पेज ओपन होगा। हमने यहाँ से इस ऑप्शन में जाके कर्सर सिलेक्ट करना है। देखिए, हमारा कर्सर सिलेक्ट हो गया। यहाँ से हम कर्सर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, कर्सर की टेल डंडी यानी कि डंडी को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से कर्सर में हम कोई कलर फिल कर सकते हैं और यहाँ से कर्सर के आउटलाइन को डार्क या लाइट कर सकते हैं। सिंपली हमने इसे ओके करना है। अब हमने जाना है इस ऑप्शन में, यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है मूव का ऑप्शन। मूव के ऑप्शन के जरिए हमें इस कर्सर को बिल्कुल कर देना है सेंटर में। सेंटर में कर्सर को करने के बाद हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है इलिप्स का ऑप्शन। इलिप्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही हमने यहाँ से ड्रैग कर देना है एक सर्कल और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। सर्कल को हम कर लेंगे बड़ा। माउस कर्सर येलो कलर में ही होता है, इसलिए हम इसे येलो कलर में ही रहने देंगे। ये येलो कलर बहुत डार्क है, जिसकी वजह से हमारा माउस कर्सर जो है छुप गया। इस डार्क कलर के येलो सर्कल को हम लाइट कर देते हैं ताकि हमारा कर्सर भी नज़र आए। तो चलिए, हमारा येलो कलर का माउस कर्सर बिल्कुल रेडी है। सिंपली हमने इसे यहाँ से सेव फाइल से सेव एज सेव कर लेना है। सेव करते हैं हम इसे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसे माउस कर्सर। माउस कर्सर ओके। अब हमारा माउस कर्सर जो हमने तैयार किया है वो रेडी है। अब हमें सिंपली थोड़ी सी सेटिंग करनी है। जाना है राइट की प्रेस करके अपने पर्सनलाइज में जाना है और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है चेंज माउस पॉइंटर। चेंज माउस पॉइंटर को सिलेक्ट करके हमें यहाँ से ब्राउज करना है वो माउस कर्सर जो हमने क्रिएट किया है। अभी वो हमने क्रिएट करके रखा है डेस्कटॉप पे। हमने सिंपली इसे करना है ओपन। ओपन करके हम ये देखिए, नॉर्मल सिलेक्ट की जगह पे हमारा वो क्रिएट शुदा माउस कर्सर आ गया है। अब हम सिंपली इसे अप्लाई करना है। जैसे ही हम इसे अप्लाई करेंगे, हमारा माउस कर्सर येलो सर्कल में आ जाएगा। हम इसे करते हैं अप्लाई। ये देखिए, हमारा माउस कर्सर येलो सर्कल में आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये माउस कर्सर येलो सर्कल में नहीं चाहिए, सिंपली पहले जैसा माउस कर्सर ही चाहिए, तो आपने दोबारा से पर्सनलाइज के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से फिर सिलेक्ट करेंगे चेंज माउस पॉइंटर और इस ऑप्शन से हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज एरो लार्ज सिस्टम। ये देखिए, हमारा नॉर्मल सिलेक्ट की जगह पर हमारा पहले जैसा माउस कर्सर आ गया। इसे सिंपली हमने करना है अप्लाई और ओके। ये देखिए, हमारा माउस कर्सर बिल्कुल पहले जैसा सिंपल हो गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।